कल हमने कैरिकेस या मुरादों के किरदार या उनके रोल के मुतलक बात की थी कि उनका क्लिशिया में कितना अहम किरदार है, लेकिन मैंने उस वीडियो में चंद बड़े प्रैक्टिकल सजेशंस भी दिए थे और कंक्रीट सजेशंस दिए थे कि किस तरह कैटेगरिस्टों की अपलिफ्ट के लिए काम किया जाना चाहिए। इब्तदाई क्लिशिया में जो लोग थे या जो कैटेगरिस्ट थे वो डिसाइड किया करते थे कि उनका बिशप या काहिन कौन होगा, लोग डिसाइड करते थे। लेकिन आज 2000 साल के बाद लोग फैसला नहीं करते बल्कि बिशप और काहिन फैसला करते हैं। और ये कैसे हुआ? 4वीं सदी में जब रोमन्स ने बड़ी चालाकी से लोगों के मजहबी जज्बात से खेलते हुए उन्हें रोमन एम्पायर में कन्वर्ट कर लिया और रोमन एम्पायर फिर इट बिकेम अ क्रिश्चियन एम्पायर या कैथलिक एम्पायर, तो उसमें रोमन्स ने जो चालाकी खेली कि लोगों के किरदार को ज़्यादा से ज़्यादा कम किया गया और जो क्लर्जी का किरदार है उसको ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोग दिया गया, प्रमोट किया गया, और इस तरह जो क्लर्जी है वो लोगों पर काबज़ हो गई और लोगों के जो मजहबी जज्बात थे उनसे उन्होंने प्ले किया, बहुत सालों से करते आ रहे हैं। और इस वजह से जो लोकल जो लोगों का किरदार था वो डिमिनिश हो गया और क्लर्जी बहुत आगे और ऊपर चले गए। और आज हम 2000 साल के बाद ये स्ट्रगल कर रहे हैं कि लोगों का इख्तियार और जो उनका रोल है उसे किस तरह क्लीसिया में बढ़ाया जाए। वेटिकन 2 के डॉक्यूमेंट्स का अगर हम मुताला करें तो उसमें कैटेगरिस्टों का जो रोल है वो बहुत अहम है। मैं कहता हूँ कि नो कैटेगरिस्ट नो चर्च, जितना काम कैटेगरिस्ट करते हैं उतना काम हमारे पास्टर नहीं कर सकते, और ख़ास तौर पर जितना काम पुराने कैटेगरिस्टों ने किया है उतना काम शायद आज के कैटेगरिस्ट नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी जो कैटेगरिस्ट है वो काहिन से ज़्यादा काम करता है और उसका जो काम है वो रूटेड है इन द पीपल। तो वेटिकन सेकंड में डियाकनेट की, शादीशुदा लोगों की डियाकनेट की या शमास बनाने की इजाज़त है, मौजूद है, और ये आज से 50-55 साल पहले इसकी इजाज़त दी जा चुकी है। 1962 में जो सेकंड वेटिकन काउंसिल हुई थी उसमें शादीशुदा लोगों को डीकन या शमास बनाने की इजाज़त दी गई थी और ये एक बहुत बड़ा एक स्टेप था और कारनामा था कि वेटिकन सेकंड में जितने भी काउंसिल मेंबर्स थे उन्होंने ये ज़रूरी समझा कि शादीशुदा लोगों को शमास मुकर्रर किया जाना चाहिए। फर्स्ट वर्ल्ड में तो इस पर बहुत अमल हुआ और यहाँ पर बहुत बहुत डीकन हैं, हर डाइसिस में बेशुमार डीकन हैं और वो हर पैरिश में हर डाइसिस में बड़ा अहम और पेशा वराना रोल अदा कर रहे हैं। इसी तरह पाकिस्तान में कैटेगरिस्टों की ट्रेनिंग मेरे ख्याल में 3 साल है, तो यहाँ पर डीकन्स की जो अमेरिका में ट्रेनिंग का पीरियड है वो 4 साल है, तो इसी तरह कैटेगरिस्टों के 1 साल पीरियड को बढ़ाकर उन्हें मेरे ख्याल कैटेगरिस्टों को डीकन बनाया जाना चाहिए ताकि कैटेगरिस्ट प्रीचिंग करते हैं, वो बपतिस्मे देते हैं, वो बहुत सारे काम करते हैं जो काहिन करता है सिवाय यूक्रिस्ट के, वो यूक्रिस्ट नहीं दे मना सकते और एतराफ़ नहीं सुन सकते और एनॉइंटिंग नहीं कर सकते, बाकी तो वो सब कुछ कर रहे हैं, तो क्यों ना उन्हें डीकन बनाकर उनसे ज़्यादा काम लिया जाए और यूं हमारी जो क्लीसिया है वो ज़्यादा तरक्की करेगी बजाय इसके कि अकेला फादर हर जगह भागे। हमें डीकन शादीशुदा लोगों को डीकन बनाकर उन्हें उनकी जो एबिलिटीज़ हैं, उनका जो टैलेंट है, उनके जो गिफ्ट हैं उन्हें यूज़ करना चाहिए। ये सिर्फ कैटेगरिस्ट ही नहीं, अगर कोई भी ले पर्सन जो डीकन बनना चाहता है तो उसे सेमिनरी में 4 साल की थियोलॉजी पढ़ने की इजाज़त दी जाए ताकि वो 4 साल स्टडी करके
शादीशुदा डियाकनेट के लिए अपने आप को पेश कर सके। मेरे पास एक बहुत अच्छा सजेशन है, अगर उसे आप सब्र से और तहमल से सुने तो वो बड़ा प्रैक्टिकल सजेशन है। कम से कम कुछ सालों के लिए हमें कॉन्वेंट्स और नए पैरिशेस और नए बिशप्स हाउस बनाने बंद करने चाहिए, और हमें कैटेगिस्ट पूरे हर डायसिस में हर कैटेगिस्ट के लिए एक बहुत अच्छा घर तामीर करना चाहिए, जिसमें कैटेगिस्ट इज्जत के साथ रह सके, उसके उसमें 2-3 बेडरूम हो, जिसमें उनका लिविंग रूम हो, उनका किचन हो, एक गेस्ट रूम हो, एक उनका बेडरूम हो, इस तरह डिसेंट जो जिसमें इंसान रहे, जिस तरह के घरों में आप रहते हैं इसी तरह का घर कैटेगिस्ट के लिए बनाएं। चाहे उसमें कमरे काम करें, पैरिश रेक्टरी से कम कमरे कर दें, या बिशप हाउस तो नहीं हो सकता कैटेगिस्ट का घर, लेकिन एक अच्छा डिसेंट घर होना चाहिए। मैंने शहरों में तो कैटेगिस्ट के जो घर हैं वो बहुत उनकी जो खस्ता हालत है। गांव में चाहे घर छोटा होता है, लेकिन वहाँ पर आबो हवा, फिर वहाँ शहरों जैसी कंजेशन नहीं होती, तो चाहिए कि इस तरह के 5 साल तक पैसे इकट्ठे करके और हमें रेक्टरीज और चर्चेस और बिशप हाउस और कॉन्वेंट्स बनाने के बजाय हमें कैटेगिस्टों के घर तामीर करने चाहिए, ताकि वो भी इज्जत के साथ रह सके। अमेरिका में अब लेटी या आमतुल मोमिनीन के किरदार और उनकी तरबियत पर बहुत जोर दिया जा रहा है। इनका ख्याल है कि आने वाले सालों में हमारे पास इतने काहिन नहीं होंगे कि वो पैरिशेस या डायसिसेस में बिशप्स इतने नहीं होंगे कि वो इस जो हमारा फेथ है इसको आगे लेकर चल सकें। तो यहाँ पर लेटी की फॉर्मेशन पर बहुत जोर दिया जा रहा है कि जब हमारे पास काहिन और सिस्टर्स और बिशप्स नहीं होंगे तो लेटी या आमतुल मोमिनीन कलीसिया को चलाएंगे। तो पाकिस्तान में इस बात पर इतना गौर खौस नहीं हो रहा, और चाहिए कि कैटेगिस्टों के किरदार को और लेटी की फॉर्मेशन पर ज़्यादा से ज़्यादा जोर दिया जाए, ताकि अगर हमारे पास इस तरह के चैलेंजेस आएँ आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में, तो हम इस चैलेंज को फेस करने के लिए तैयार हैं। आए हम मिलकर दुआ करें कि खुदा हमें कैटेगिस्टों की तरबियत और उनकी जो केयर है, जो उन्हें दरकार है, उन्हें सीरियसली